हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? मोबाइल फोन जिस चीज के बिना अधूरा है वो है सिम कार्ड। इस कमाल सी चीज से दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है, अब आप जहां चाहे वहां बात कर सकते हैं। पर क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। एक्चुअली पहले के टाइम में जो सिम कार्ड फोन में पड़ते थे उनके कोने कटे नहीं होते थे, इसीलिए सिम कार्ड मोबाइल फोन से निकालना मुमकिन नहीं होता था। साथ ही पहले के लोग जिस कंपनी का सिम लेते थे उसी का इस्तेमाल करते थे, उसी से काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीजें बदलती चली गई और समस्या के बढ़ने पर सिम में भी बदलाव हुआ। समय के साथ लोगों को होने वाली समस्या को दूर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने सिम के डिजाइन में बदलाव करने के बारे में सोचा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि सिम उल्टी और सीधी साइड कौन सी है। टेलीकॉम कंपनियां इस समस्या को दूर करने के लिए सिम के एक कोने को काट दिया। इसके अलावा मोबाइल में जहां सिम लगाया जाता है उस जगह पे भी एक कट का निशान होता है, जिससे लोगों को सिम डालने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ही सिम पर कट के निशान लगने लगे और फोन में भी यही व्यवस्था कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारे बताए हुए फैक्ट्स कैसे लगे? क्या इससे पहले ये आप फैक्ट्स जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।